हेलो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। कारण ये है कि बीच में थोड़ी हेल्थ इशू थी, इस वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो रही थी। बट प्यारे बच्चों, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुलम्ब के नियम को पढ़ रहे थे, और कुलम्ब के नियम को पढ़ने के दौरान हम लोगों को अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके थे। और आज अध्यारोपण के सिद्धांत पे एनसीईआरटी के तीन बहुत ही मजेदार न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी के दौरान एनसीईआरटी के अभ्यास का आप लोग छठा सवाल देखिए, ठीक है। ये सवाल सिर्फ हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल को भी साथ ही साथ खत्म करते निकलेंगे, ठीक है। तो 1.6 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है, यहाँ पे देखिएगा, ये कहता है कि चार बिंदु आवेश है क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी। यहाँ पे दिया हुआ है जो चार बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर वाले भुजा किसी वर्ग, वर्ग का नाम है ए बी सी डी, उस पर रखा गया है। तो आप बताइए कि अगर उसके केंद्र पर 1 माइक्रो कूलम्ब आवेश रख दूं तो बताइए उस पर बल कितना लगेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल में हम एक वर्ग लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक वर्ग लिया, ठीक है। इस वर्ग की चार भुजाएं ले लेता हूँ, ए बी सी और डी, ठीक है। तो अगर आप इस पे चार्ज देखिएगा तो यहाँ पर क्यू बराबर क्यू ए बराबर आपको मिल जाएगा कितना है, 5 है ना। अच्छा, 2 माइक्रो कूलम है ना। क्यू ए बराबर कितना है, 2 माइक्रो कूलम। अच्छा, और क्यू बी बराबर कितना है, -5 माइक्रो कूलम। क्यू सी बराबर कितना है, तो ये है फिर से 2 माइक्रो कूलम। और क्यू डी बराबर कितना है, तो ये है -5 माइक्रो कूलम। लहरिया कट मार के भी हम लोग चल सकते हैं, लेकिन पहले एक बार मेन फॉर्मेट से आपको बता दें, ठीक है। और इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर पे हमने इसको ओ मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम हमने चार्ज को रख दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस चारों चार्ज के द्वारा कितना फोर्स इस पर लगाया जाएगा, वो चीज हमको जानना है। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक एक करके हम लोग पहले एक एक करके फोर्स निकालते हैं। चार चार्ज है, चारों चार्ज इस पर फोर्स लगा रहे हैं, हमको नेट फोर्स चाहिए। तो पहली बात कहिएगा इसकी दूरी। तो देखो बच्चे लोग, इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक। तो हम लोग आराम से पाइथागोरस के प्रमेय का इस्तेमाल करके इसकी दूरी निकाल सकते हैं कि ये 5, ये 5, इतना 5, इतना 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5√2, ठीक है। पाइथागोरस के प्रमेय से लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 5√2 आंसर आ जाएगा। बट अभी हम इसको एम आर मान के काम करते हैं। क्या मान के काम करते हैं, आर, ठीक है। तो आप चलिए सपोज करते हैं कि यहाँ से, ठीक है, मैं रंग बदल लेता हूँ। तो सपोज कीजिए कि ए वाले ने, क्योंकि ए भी प्लस है और ओ भी प्लस है, तो इसने इसको धक्का दिया,
तो इसका नाम क्या लिखाएगा, तो इसका नाम लिखाएगा ओ पर धक्का दिया गया है ए के द्वारा। ओ पर किसको धक्का दिया गया है, ए के द्वारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसकी वैल्यू को लिख देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो FOA, ठीक है। तो बोलेंगे धक्का दिया गया है किस पर, ओ पर ए के द्वारा। तो बताइए तो फोर्थ का फॉर्मूला होता है के, पहला चार्ज, तो पहला चार्ज को बोलेंगे 2 माइक्रो कूलम, दूसरा चार्ज तो ओ पे दूसरा चार्ज का नाम क्या है, 1 माइक्रो कूलम, और बीच की दूरी, तो बीच की दूरी को आर मान लेता हूं। आप चाहो तो 5√2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके, बट अभी इतना करने की जरूरत है, आप सीधे आर मान के काम चला लीजिए, तो R2। और इसकी दिशा किधर होगी, तो अगर एक बात बताओ, अगर मैं ये तीर चलाता ऊपर से, तो ये तीर किधर से किधर चलता, तो ए से चलता सी की ओर, तो ये तीर किधर से किधर चला, ए से सी की ओर। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ AC कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर लिख देने से ये चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार बच्चों बी वाला माइनस है और ये प्लस है, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये अपनी ओर खींचेगा, ओ को खींचा है बी ने, ओ को खींचा है बी ने, तो आप बताइए ओ बी का मान कितना होगा। तो एफ ओ बी का मान होगा के, पहला चार्ज, तो इस पे चार्ज -5 माइक्रो कूलम है, तो मोड के अंदर तो वैसे भी प्लस हो जाएगा, और ये 1 माइक्रो कूलम है, ओ का वैल्यू कितना है 1 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये बी और ओ के बीच की बात है, ठीक है। इसमें भी बी ए ओ था, इसमें भी ओ, तो ओ दोनों में, इसलिए 1 1 दोनों में होगा। बट बीच की दूरी, तो देखिए ये दूरी जितनी है ये दूरी भी उतनी ही है, तो यहाँ पर इस दूरी की स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की सारी जो डायगोनल होती है वो सेम होती है, ठीक है। अच्छा आप बताइए इसकी इसकी दूरी कितनी होगी, तो दूरी भी आर ही होगी, ठीक है, तो R2 हो गया। अब बताओ तीर किधर से किधर चला है, तो तीर डी से चला है किधर की ओर, बी की ओर, तो यहाँ पे लिख देंगे डी से किधर चला है, बी की ओर, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अगला, आप बताइए ये सी वाला प्लस है और ये वाला भी प्लस है, तो प्लस प्लस धक्का देगा, तो आप बोल सकते हैं ओ पे बल लगा रहा है कौन, लगा रहा है सी लगा रहा है, ओ पर कौन लगा रहा है सी, तो आप जरा देखिएगा, तो आप जरा देखिएगा एफ ओ सी का मान कितना होगा, तो एफ ओ सी का मान होगा के, और ओ और सी के बीच का चार्ज, तो ओ पर चार्ज 1 माइक्रो कूलम और सी पे 2 है, तो क्या लिख सकता हूँ 2 माइक्रो कूलम गुने 1 माइक्रो कूलम, अब बट्टा बीच की दूरी अभी भी आर ही होगा, तो R2। और तीर किधर से चला है, तो ये वाला तीर सी से चला होगा ए की तरफ, तो लिख सकते हैं CA, सिंपल है। चलिए तो तीन चार्ज हो गया, आप चौथे की बारी है, तो चौथा वाला माइनस है, तो ये माइनस वाला क्या किया होगा, अपनी ओर खींचा होगा, तो बोल सकते हैं ओ पर बल लग रहा है किसके द्वारा, डी के द्वारा, ओ पर किसके द्वारा बल लग रहा है, डी के द्वारा, तो आप बताइए ओ पर डी के द्वारा, तो देखिए तो एफ ओ पर डी के द्वारा, तो आप बोलिए कितना हो जाएगा, के ओ पर कितना लग रहा है, तो 1 माइक्रो कूलम, और डी पर कितना लग रहा है, तो 5 माइक्रो कूलम माइनस में, तो मोड के अंदर तो प्लस ही हो जाएगा, और बीच की दूरी अभी भी इसकी आर ही होगी, क्योंकि सभी जगह से दूरी क्या है एक समान है, वर्ग है इस वजह से, ठीक है। और बताइए ये तीर किधर से चला है, तो बी से चला है डी की ओर, पीला वाला तीर, तो बी से किधर चला है, डी से, और इसके ऊपर कैप लगा दिए, ठीक है। अब चार एक बिंदु पर चार अलग अलग बल लग रहे हैं, सारों को जोड़ना है, तो जब सभी को जोड़िएगा तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा, तो बोलेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत, कि एफ ओ पर कुल बल कितना लग रहा है, तो कहते हैं जितने भी लगने वाले बल है उस सबको जोड़ दीजिए वेक्टर के तरीके से, यानी सदिश के तरीके से, तो मैंने ओ ए को जोड़ दिया, ओ बी को जोड़ दिया, ओ सी को जोड़ दिया, और ओ डी को जोड़ दिया। अब इसकी वैल्यू रखिए तो ओ ए का मान कितना है, के 2 माइक्रो कूलम गुने 1 माइक्रो कूलम बट्टा बीच की दूरी R2, और इसका डायरेक्शन बोलिए तो ए सी, ठीक है। प्लस ओ बी का मान बोलिए, तो ओ बी का मान होगा के, मॉड के अंदर माइनस भी प्लस बन जाएगा,
और बट्टा बीच की दूरी आर स्क्वायर, और इसका दिशा बोलिए तो डी बी, ठीक है। प्लस फिर कौन सा है ओ सी, तो ओ सी के बारे में बोलिए, तो बोलिएगा के 2 माइक्रो कूलम गुने 1 माइक्रो कूलम बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है आर स्क्वायर, और इसकी दिशा होनी चाहिए सी ए। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो ए सी का उल्टा सी ए है कि नहीं, ए सी सी ए, ए सी सी ए, ए सी का उल्टा है सी ए। तो अगर आप चाहते हो कि हम सी ए को ए सी लिखे तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा चीजों को सुलटा करने के लिए माइनस लगाना पड़ता है। कुछ नहीं हुआ है, बस सिर्फ हमने क्या किया है यहाँ पर माइनस को ऐड कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने सी ए को यहाँ पर ए सी लिख रहा है, ठीक। अब देखिएगा प्लस, और प्लस अभी एक और बचा हुआ है, प्लस कौन सा बचा हुआ, ओ डी। तो यहाँ भी देखिए तो बी डी का डी बी है, डी बी का बी डी, तो पलट देंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यही वाली बात यहाँ पर भी होगी, के मॉड के अंदर प्लस हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम आर स्क्वायर, और यहाँ पर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस डी बी। आप ध्यान से देखिए तो ये माइनस है और ये प्लस है, जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ, तो ये कट जाएगा, जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ पर कट जाएगा। तो टोटल एफ नेट का मान क्या आ जाएगा, तो एफ नेट का मान आ जाएगा 0। बस सिंपल है। कोई अगर अपने तरीके से बनाना चाहता है ऐसे भी बना सकता है कि देखिए दू वाला एक वाले को जिस बल से धक्का दे रहा है तो ये सी वाला भी उसको उसी बल से धक्का दे रहा है, तो इसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, जितना से ये खींच रहा है उतना से ये भी खींच रहा है, तो ये भी कैंसिल कर दिया, तो नेट फोर्स क्या बचेगा, 0, क्योंकि दूरी बराबर था और डायगोनली चार्ज भी क्या था बराबर था, ठीक है ना, विकर्ण पे भी क्या था हुआ चार्ज बराबर था। तो ऐसे हालात में सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो फिर भी मैंने रास्ता अपनाया फिजिक्स वाला रास्ता, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है बट ये ज्यादा अच्छा है विद रिस्पेक्ट टू इसके, जब ये इससे आपका कॉमन सेंस डेवलप हो जाए तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्ट वाला, लेकिन बेसिक रूप से यही इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए एनसीईआरटी के हमने एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन को बना लिया, अब एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन उसको बना लेंगे, तो हमारे कल का थ्योरी का हमारा आज न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी काफी अच्छी बुक है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन यहाँ पर क्या किया हुआ है, बोल रहा है Q1 Q2 Q3 विचार करने वाली बात है कि सबकी वैल्यू Q है और उसकी लंबाई कितनी है L है, जिसको समबाहु त्रिभुज पर रख दिया गया, जो कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक। तो कहता है कि यदि मैं इसके केंद्र पर Q आवेश डालूं, जो कि यहाँ पे डाल दिया है, तो बताना है कि परिणामी बल कितना लगेगा, परिणामी बल कितना लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन, आराम से देखिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले एक यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, इसे कुछ नाम वाम दे दीजिए। तो मान के चलिए Q1 बराबर Q है, Q2 बराबर Q है और Q3 बराबर Q है, ठीक। तीनों पर क्या है, Q2 क्यों आवेश है, सबकी लंबाई L है, L है, L है। आप बताइए कि इसके सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया Q, ठीक है, हमने कितना चार्ज रख दिया बुआ Q, अब क्या होगा वो देखिए। तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल बात होगी, ये 3 वाला, देखिए ये 1 वाला प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा, कितना से धक्का देगा, F1 से धक्का देगा, ठीक। और इस F1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो F1 की वैल्यू निकलेगी बुआ K × पहला वाला चार्ज गुने दूसरा वाला चार्ज और बीच की दूरी, तो बीच की दूरी अपने मन से आप r मान लो, तो r का स्क्वायर। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन की चिंता बाद में करेंगे, ठीक है। अब बताइए ये 2 वाला क्या करेगा, ये भी धक्का देगा, कितना से, F2 से, तो F2 का मान कितना होगा, K Q × Q, क्योंकि यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, ये बड़ा वाला क्यों, ये छोटा वाला, और जो दूरी इसकी होगी वही दूरी इसकी भी होगी, है ना। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल के सेंट्रोइड से सबकी दूरी क्या मिलेगी आपको, बराबर मिलेगी। अब आप बताइए F3, तो ये 3 वाला इधर धक्का मारेगा, F3 की वैल्यू कितनी आई, K, इसकी वैल्यू भी
क्यों है और क्यों है और बट्टे क्या है, दूरी सेम रहेगी तो आर स्क्वायर। तो आपको नहीं लग रहा है कि तीनों की वैल्यू बराबर है, तो इसको भी एफ मान लीजिए, इसको भी एफ मान लीजिए, इसको भी एफ मान लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास तीन हमारे पास फोर्सेज लग रहे हैं। अगर आप ढंग से देखिएगा तो क्या मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, देखिए तो एफ 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 क्योंकि सबकी वैल्यू बराबर है, एफ 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 यहाँ पर ये एफ टू एफ थ्री बोल देंगे। तो आप बताइए तो एक बार में तीन का सॉल्व करना संभव है। फिजिक्स कहता है कि जितने भी बल किसी बिंदु पर लग रहे हैं उस सारे बल को जोड़ दीजिए वेक्टर तरीके से। तो मान के चलिए मैं इसको वन टू नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए टू थ्री वन। तो कोई आपसे पूछेगा अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण का सिद्धांत तो यही कहता है, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत तो यही कहता है कि अगर सेंटर पे फोर्स चाहिए तो सारे फोर्स को वेक्टर के तरीके से जोड़ दीजिए, ठीक। तो एक साथ में तीन का जोड़ संभव नहीं है क्योंकि तीनों के एंगल्स क्या है यहाँ पर अलग अलग है। तो बताइए इस दोनों के लिए एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, इसका भी 120 डिग्री हो जाएगा और इसका भी 120 डिग्री, क्योंकि 12 + 36 होता है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करें, तो मान के चलिए सबसे पहले हम इस दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो जरा देखिएगा अगर मैं इस दोनों को सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो देखिएगा क्या आता है, ठीक। तो पहले F12 को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इस दोनों के परिमाण को सॉल्व करता हूँ। तो आपको पता है ना A प्लस B अगर दो वेक्टर को आपस में जोड़ते हैं तो वेक्टर को जोड़ने का तरीका क्या होता है, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस दो गुने पहला गुने दूसरा इंटू कॉस थीटा, दो वेक्टर को जोड़ने का ये फॉर्मूला होता है। तो आप जरा बताइएगा पहला का स्क्वायर, तो सबका वैल्यू तो एफ ए माने हुए हैं, ठीक है, तो पहला का परिमाण तो एफ का स्क्वायर, दूसरा का परिमाण एफ का स्क्वायर प्लस दो गुने पहला गुने दूसरा और कॉस 120 डिग्री। तो बताइए ये कितना आ जाएगा, तो टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर और कॉस 120 का मान -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, टू एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो आ जाएगा सीधे रूट अंडर एफ स्क्वायर, मतलब एफ आ जाएगा। तो बताइए जब हम इस दोनों को सॉल्व किए तो इस दोनों का आंसर क्या आया, एफ आया। तो आप बताइए अब आप क्या करेंगे, तो देखिएगा तो इस दोनों को मैं मान सकता हूँ एफ वन टू, बोलिए एफ वन और टू को सॉल्व किए तो इसको बोल नहीं बोल सकता हूँ एफ वन टू इस दो को अलग अलग के बजाय। तो आप बताइए तो क्या एफ ओ बराबर अब लिखा जा सकता है एफ वन टू और प्लस एफ थ्री, क्योंकि मैंने इस दो को एक कर दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये सब कूलम्स लॉ में बच्चा छोड़ के भाग जाता है, थोड़ा सा रुक गया ना, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। बच्चे लोग आप इस पिक्चर को थोड़ा ठीक करते हैं क्योंकि वन और टू को खत्म करके हमने वन और टू को खत्म करके, तो देखो बच्चे लोग इसके जो रिजल्टेंट होगा वो इस दोनों के बीचे बीच ही होगा, यानी 60 डिग्री पर ऐसे होगा। अब ये दोनों खत्म हो गया और ये बन गया एफ वन टू, क्योंकि इस दोनों के बदले अब एक आ गया है। तो आप बताइए एफ थ्री ऊपर है और एफ वन टू इसके इधर है और ये दोनों खत्म हो गया क्योंकि इस दोनों के बजाय ये आ गया, और इसके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। तो आप बताइए इस दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो इस दोनों का रिजल्टेंट निकालने का तरीका हम बता चुके हैं, क्या रूट अंडर पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर दो गुने पहला गुने दूसरा इंटू कॉस थीटा। तो एफ वन टू इसका मान भी तो एफ ए आया है, आया है, तो यहाँ पे बोलेंगे पहला का स्क्वायर यानी एफ का स्क्वायर, फिर दूसरा का स्क्वायर तो एफ का स्क्वायर प्लस दो गुने पहला गुने दूसरा और कॉस 180 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट अंडर टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर, लेकिन कॉस 120 का मान -1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू एफ स्क्वायर माइनस टू एफ स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा, जीरो। तो बताइए इसके सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा, जीरो। यही कहा जाता है कि यदि तीन समान बल एक दूसरे को इक्वल एंगल पर खींचता है तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, इसी को कॉन्कुरेंट फोर्स भी कहते हैं। ये बड़ी फेमस क्वेश्चन है कि तीन आवेश को इक्वल आवेश को
ट्रायंगल के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर रख देंगे तो उसके सेंटर पे कितना बल लगेगा, तो कितना लगेगा वो है जीरो। क्योंकि अगर आप चाहिए तो अपने कमर में तीन रस्सी बांध के 120 डिग्री पे खींचे आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या लगेगा जीरो। ठीक है, तो ये सवाल एनसीईआरटी का एक सवाल था, काफी बेहतरीन है। आप इसको एक बार और रिमाइंड करके चाहे तो आराम आराम से वेक्टर के तरीके से जोड़कर देख सकते हैं। पहले दो को सॉल्व किए वेक्टर के तरीके से, फिर दो को जब एक बना लिए तो फिर इसको और इसको दोनों को सॉल्व किए, बस एंगल इसका 180 हो गया, 180 रखे, इसका 120 था तो 120 रखे, बस सिंपल है। तो चलिए एनसीईआरटी के अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको बना लेने के बाद हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी के चीजों को समझने के लिए। ठीक है, ये इतना इनफ होगा हमारे लिए। ठीक, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए कहता है कि एक ट्रायंगल पर तीन आवेश है, माइनस क्यू को ऊपर रख दिया है और क्यू को यहाँ रख दिया है, और कह रहा है प्रत्येक आवेश पे बल निकालिए। मतलब इसमें तीन को सवाल हो गया, इस पे भी निकालना है, इस पे भी निकालना है, इस पे भी निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यू थ्री। तीसरा पॉइंट, इसका क्या नाम दिया हुआ है, दूसरा क्यू टू, और इसको बोलेंगे क्यू वन। ठीक, तो सबसे पहले वन पे निकालते हैं, क्या पहले थ्री पे ही निकाल देते हैं, थ्री पे ही निकाल लेते हैं पहले, किसी पे भी निकाल सकता हूँ, तीन सवाल बनाने हैं। क्यू वन वाला सबसे पहले क्यू थ्री को निकालते हैं, तो क्यू वन वाला क्यू थ्री को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि आप क्यू थ्री को हमने मेन बना दिया है, तो अपनी ओर खींचेगा, किस बल से खींचेगा, तो थ्री पर वन के द्वारा। तो फॉर्मूला लिखिए, तो एफ थ्री पर वन के द्वारा, तो फॉर्मूला क्या होगा, के मॉड के अंदर थ्री पर का चार्ज, तो थ्री पर का चार्ज माइनस क्यों है, वन पर का चार्ज तो क्यों है, अब अट्टा बीच की दूरी तो एल मान लीजिए, इसके साइड की दूरी को तो एल स्क्वायर, तो क्या इसको लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर, क्योंकि क्यू में क्यू मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको भी, तो ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा, कितना से, थ्री पे वन के टू के द्वारा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो अब बताइए बच्चे लोग, एफ थ्री पे किसके द्वारा, टू के द्वारा, तो क्या होगा, के माइनस क्यू प्लस क्यू अब बट्टा एल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एंगल कितना डिग्री होगा, यहाँ पर 60 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो अब बताइए इस वाले पर अध्यारोपण के सिद्धांत से एक बिंदु पर दो फोर्स लग रहे हैं, तो इस थ्री वाले बिंदु पर कुल फोर्स क्या होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, थ्री वन को जोड़ देंगे, थ्री टू को जोड़ देंगे, और आपको पता है ना इसका परिमाण कैसे निकलता है, रूट अंडर पहला का स्क्वायर, तो जो वैल्यू इसका है वही वैल्यू इसका है, तो बोल सकते हैं पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, दो गुने पहला गुने दूसरा, और इस दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो बताइए कितना हो जाएगा, तो दो एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर गुने वन बाई टू, टू से टू कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री एफ स्क्वायर, मतलब आपका आंसर हो जाएगा रूट थ्री एफ, और एफ का मान निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, के इंटू क्यू स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर। तो लीजिए हम लोगों ने निकाल लिया, किस बिंदु पर निकाल लिया, माइनस पर निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे प्लस पर, ये कह रहा है प्रत्येक पे निकाल के दिखाओ, पहले तीसरा पर, तीन वो है तो तीसरे पर दो के द्वारा, फिर इस पर इस दोनों के द्वारा चेक करना है। तो अब कैसे चेक करेंगे, तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा उधर साइड कर देता हूँ, तो कैसे चेक करूंगा, तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो इसको अपनी ओर खींचेगा, तो वन को खींच रहा है तीसरा वाला। ठीक, तो बताइए तो इसका फॉर्मूला फोर्स का क्या होगा, वन थ्री का के मॉड के अंदर क्यों, क्योंकि सबका चार्ज एक के जैसा है, बीच का दूरी, तो बीच का दूरी एल स्क्वायर, तो क्या ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर। ठीक, अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस धक्का देगा, तो एफ वन पे धक्का लग रहा है टू के द्वारा। ठीक है, तो आप बताइए एफ वन टू का मान कितना होगा, के प्लस क्यू बीच का दूरी एल स्क्वायर प्लस क्यू बीच का दूरी एल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर।
तो दोनों का मान तो एक ही जैसा है, तो इसको लिख सकते हैं एफ और इसको भी लिख सकते हैं एफ आसानी से। अब इस बिंदु पर, एक बिंदु पर दो बल लग रहे हैं और दोनों का हमको परिमाण निकालना है। तो मैं तो आपको बता ही चुका हूँ कि दूसरे पर जो पहले पर ना, हाँ पहले पर जो परिमाण निकालेंगे तो अध्यारोपण के सिद्धांत से दोनों को सदिश रूप से जोड़ देंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत यही तो कहता है प्लस 1/3। इसका मॉड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वैल्यू एफ एफ है, पहला गुने दूसरा, और कॉस 120 डिग्री। क्यों 120 डिग्री? क्योंकि अंदर वाला 60 था लेकिन जो बाहर वाला है वो 120 ना होगा, क्योंकि अंदर वाला 60 पूरा 180, तो ये कितना होगा 120, 120 डिग्री। 2f² + 2f² और कॉस 120 का मान -1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर, क्योंकि दो गो में से वो घट जाएगा माइनस के साथ, तो ये सीधे क्या हो जाएगा एफ, और एफ का मान निकाल चुके हैं। तो जो 1 का आया है वही 2 का भी आया, क्योंकि 2 पर भी ये प्लस वाला धक्का देगा और ये माइनस वाला खींचेगा, तो जो इसका आया है वही इसका भी आएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि एफ 1 का जो आया है वही हसर एफ 2 का भी होगा। तो हमने एफ 1 का भी निकाल लिया, एफ 2 का भी निकाल लिया, एफ 3 का भी निकाल लिया, और हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन में यही कह रहा था कि तीन अगर चार्ज वहां रखा हो तो आप क्या कीजिए बच्चे लोग, तीनों पे निकाल के दिखाइए। तो प्यारे बच्चों, बच्चे सिर्फ यहाँ वेक्टर के जोड़ घटाव से भागते हैं, सिंपल जोड़ है, दोनों का निकाल लीजिए और दोनों वेक्टर को वेक्टर के तरीके से जोड़िए। जोड़ने का तरीका पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर 2ab cos θ, सिंपल है। तो चलिए, आई होप आपने ये तीन सवाल से बिहार बोर्ड के ये जो के लिए आपको तैयार कर लिए होंगे और एनसीईआरटी के तीन न्यूमेरिकल से अध्यारोपण का सिद्धांत आपका सारा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ की आखिरी क्लास, जिसमें हम लोग कूलम्स लॉ की लिमिटेशन और इस पर कुछ बिहार बोर्ड के क्वेश्चन वगैरह को देखकर कहानी खत्म करेंगे, और परसों से चालू करेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चे लोग, चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, रिवीजन के लिए इसको बढ़िया से पढ़िए।